आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, मैं हूं आपका मेजबान पीर मुजफ्फर। बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है सियासत के हवाले से, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। बिलाखिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने पते खोल दिए और अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के हवाले से अभी तक जो तजज्जुब सा पाया जा रहा है, बिलाखिर आज पीडीपी ने अपनी तस्वीर साफ कर ली और सबका वजीर आला और पीडीपी के सरबरा महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के लिए नामजद उम्मीदवार, जबकि वहीदुर्रहमान परा श्रीनगर और फयाज अहमद मीर बारामुल्ला से लोकसभा कंटेस्ट करेंगे लोकसभा इलेक्शन। सबसे पहले गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं। कई दिनों से आपने देखा है कि जो सियासत के हवाले से अप्स एंड डाउन नजर आ रही थी, खासकर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया, कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने उस बयान के हवाले से कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उमर अब्दुल्ला इस तरह से पीडीपी को कमज़ोर समझेंगे, और बिलाकर उन्होंने एक मिट्टी तश्कील दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया और जहाँ पर आज लगभग 3 बजे के करीब ये डिसाइड किया गया कि मैडम महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी, और जबकि वहीदुर्रहमान परा श्रीनगर से और फयाज अहमद मीर बारामुला से लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि जो राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पार्लियामेंट नशस्ती है, काफ़ी दिलचस्प मरहल में तो तब्दील हो गई है। मैं बता दूं, तिकोनी श्रृंखला यानी कि एक तरफ पीडीपी, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीसरी तरफ डीपीएपी, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से अपने नामजद कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि कहां, जहां एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद, वहां महबूबा मुफ्ती, इसके साथ साथ जो मियां अल्ताफ अहमद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। अब इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी पर नजरें थी, पीडीपी ने भी अपना पता खोल दिया और अब सबकी नजरें भाजपा पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट नशस्त है, इस पर सबकी नजरें मरकूज है और आने वाले जो इंतखाबात है उसके हवाले से अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगी और किसका सितारा चमकने वाला है। सबसे पहले गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से हमने आपके साथ ये खबर शेयर कर ली कि बिलाकर आज पीडीपी ने अपना फैसला सुनाया और सबका वजीर आला और पीडीपी के सरपरस्त मैडम महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से, वहीदुर्रहमान परा श्रीनगर से, जबकि फयाज अहमद मीर बारामुल्ला से आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।